अमेजिंग यार, मतलब सेम टू सेम अला वेंकटापुरम जैसा ही ट्रेलर लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि अला वेंकटापुरम का हिंदी रिमेक जो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस ट्रेलर का रिव्यू। इसमें कोई शक नहीं कि कार्तिक आर्यन हम सबके फेवरेट स्टार हैं। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है, जिसमें एक्टिंग करते हैं जी जान लगा देते हैं और मूवी को हिट भी करा देते हैं। इनकी लास्ट मूवी थी फ्रेडी, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे आई थी, जिसको हिट कराने में कार्तिक आर्यन का ही हाथ था। और उनकी भूल भुलैया 2, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी, उनकी एक्टिंग ही दम पे हिट हुई थी। ट्रेलर में कार्तिक आर्यन ने अल्लू अर्जुन सर को हूबहू कॉपी करने की कोशिश की है, और कहीं कहीं भी तो अल्लू अर्जुन से भी बेटर करते हुए दिख रहे हैं। कार्तिक आर्यन की यह पहली मूवी है जिसमें वो एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी वही होने वाली है जो अला वेंकटापुरम की, जिसमें एक बिजनेसमैन होता है जिसके लड़के को बदल दिया जाता है और वो गरीब परिवार में पढ़ता है, वही सब सेम स्टोरी। वैसे मूवी में कार्तिक आर्यन के बाप का रोल परेश रावल, जो कि ओरिजिनल नहीं है, वाले फादर रोनित राय, और माँ का रोल मनीषा कोइराला प्ले कर रही है। कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आ रही है कीर्ति सेनन, वही कमेडियन पुलिस के किरदार में नजर आएंगे राजपाल यादव, और मनीषा कोइराला के पिताजी का रोल सचिन खेड़ेकर, जो कि अला वेंकटापुरम में भी तब्बू के पिताजी का रोल निभा रहे थे, और विलन के रूप में नजर आ रहे हैं सनी हिंदुजा, जिनको आपने एस्पिरेंट मूवी में संदीप भैया के नाम से भी जानते होंगे, जिनकी एक्टिंग ने एस्पिरेंट मूवी को भी हिट कराया था। ट्रेलर में बाकी सब ठीक ठाक लगा, लेकिन कहीं पर भी सैड मोमेंट वाला शॉट नहीं देखा गया, जिसका होना ट्रेलर पे काफी इम्पैक्ट डाला। सबसे बड़ी बात यहाँ पे म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की है, क्योंकि इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक प्रीतम चक्रवर्ती ने दिया है। मूवी के गाने तो अच्छे होंगे ही, बट सैड BGM कैसा होगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर एस थमन से इस म्यूजिक का कंपेयर करें तो एस थमन की म्यूजिक नंबर एक पर ही आएगी, और आपने अला वेंकटापुरम में वो सैड मूवमेंट वाली म्यूजिक तो आपको याद ही होगी, जो कि कितनी जबरदस्त थी। खैर, हो सकता है सेकेंड ट्रेलर भी आए, क्योंकि ट्रेलर में कहीं भी मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट और मूवी कैसी होने वाली है ये नहीं दिखा गया है। मूवी की स्टोरी हाइड करने के चक्कर में कुछ सैड सीन्स डालना भूल गए, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। बाकी सब ठीक ठाक है, कार्तिक ने अच्छी एक्टिंग की है और बाकी लोग ने भी अपना पूरा 100% दिया है। देखना यह है कि थिएटर में ये मूवी कितना कमाल कर पाएगी। अब आप लोगों को ज़्यादा वेट भी नहीं करना, क्योंकि ये मूवी 10 फरवरी 2023 को थिएटर में आने वाली है। हम तो देखने जा रहे हैं, आप लोग जाएंगे कि नहीं कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर दिखाना।